हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उसे वॉच करें, ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है, इसका नाम है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इसको हम देखेंगे, और इसको हम स्पेशली आज हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पे, हम जर्मनी की बात करेंगे। सो मेकिंग ऑफ जर्मनी का मतलब क्या हुआ? देखो, पहले क्या सिचुएशन थी पूरे यूरोप की, अगर आप देखोगे ना, सबसे पहली चीज़ तो यूरोप जो है ना, बहुत छोटा सा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और इस यूरोप के अंदर अगर आप नंबर ऑफ कंट्रीज भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा कंट्रीज आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें हमारे इंडिया से कंपैरिजन करें, सो हमारे इंडिया के अंदर जितना बड़ा मध्य प्रदेश है, जितना बड़ा उत्तर प्रदेश है, इतनी बड़ी बड़ी तो यूरोप के अंदर कंट्रीज भी है, और कुछ कंट्री तो इनसे भी छोटी है। ऐसी सिचुएशन थी यूरोप के अंदर। सो यूरोप के अंदर क्या हुआ उस समय, अंदर हम बात करें तो जर्मनी नाम का या फिर इटली के नाम का कोई एग्जिस्ट नेशन ही नहीं करता था। जो आज की तारीख में हमें जर्मनी दिख रहा है, जो हमें आज की तारीख में इटली दिखता है, जो हमें आज की तारीख में पोलैंड दिखता है, इस तरीके से कोई भी एरिया वहाँ पर पहले प्रेजेंट ही नहीं था। मतलब इस तरीके से कोई कंट्री वहाँ पर थी ही नहीं। फिर कहाँ से आई ये कंट्री? आप बोलोगे सही, कहीं ऊपर से भगवान ने ऐसा तो नहीं कुछ आशीर्वाद करा, कोई चमत्कार कर दिया और नई कंट्री सडनली रात में सोए और सुबह चमत्कार की तरह से एक नई कंट्री निकली, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जगह वही थी, प्लेस वही था, लेकिन एक इन लोगों को साथ में आके एक नई कंट्री बनाई गई, एक नया एरिया बना दिया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभार होता है कि नहीं, हम किसी एरिया के नाम चेंज कर देते हैं, एग्जैक्टली कुछ इस तरीके समझ सकते हो। नए लोगों को मिलाया, नया ग्रुप बनाया, नाम चेंज कर दिया और उसको बोला गया जर्मनी, ठीक है। सो पहले जर्मनी नहीं था तो क्या था फिर? देखो, जब जर्मनी नहीं था उसके पहले उस पूरे एरिया को अगर आप इस बुक में भी देखेंगे तो प्रशिया के नाम से बोला जा रहा है। बार बार हम लोग एक वर्ड सुनते हैं प्रशिया, तो प्रशिया जो एरिया था ना, उस एरिया को, जो किंगडम्स था उस एरिया को मिला के जर्मनी बना हुआ है, ठीक है। पहली चीज तो ये। अब जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ? तो देखो जरा, जर्मनी का यूनिफिकेशन समझने से पहले आप सबसे पहले समझो कि यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है। देखो, यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि वही छोटे छोटे से एरियाज को मिला के एक बड़ा एरिया बनाना, और उसको बड़े एरिया को मिला के एक हम एरिया को बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल आज की डेट में समझे तो एमपी के अंदर मान लो पहले एक धार डिस्ट्रिक्ट है, या फिर एक इंदौर है, या अगर मैं आगे बात करता हूँ तो धार, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, इस तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स को अगर हम मिलाते हैं, एक साथ मिला के जोड़ते हैं, सो एक बड़ा स्टेट बनता है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, मध्य प्रदेश। तो एज इट इज़ जर्मनी के अंदर भी सेम था। जर्मनी के अंदर क्या था, छोटे छोटे से जो एरियाज थे, इन सारे एरियाज को मिला के एक नया स्टेट बनाया जा रहा है, एक नई बॉर्डर बनाई जा रही है, स्पेशली एक नया नेशन स्टेट बनाया जा रहा है, जिसको बोला जाता है जर्मनी। अब जर्मनी का यूनिफिकेशन जो था, अगर सही मायनों में देखा जाए तो ये टू फेज के अंदर हो रहा है। पहला जो यूनिफिकेशन के लिए जो ट्राई करते हैं, जो कोशिश करते हैं, आप लोगों को अगर याद होगा, जो लिबरल्स थे, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैसे लिबरल्स जो थे ये एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, एक सेंट चर्च जो था, सेंट पॉल जो चर्च था, उस चर्च के अंदर गैदर होते हैं, 831 रिप्रेजेंटेटिव थे, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाने की कोशिश करते। तो वो कोशिश थी क्या? वो कोशिश यही था कि एक जर्मन स्टेट बनाया जाए और उस स्टेट के अंदर राजा रहे और एक प्रॉपर और अच्छी तरीके से वर्क किया जाए। बट वो स्टेट बना नहीं, क्यों नहीं बना? क्योंकि उस समय उनका अपोज कौन कर रहा था? तो उस समय उनको अपोज करने वाले थे, आप लोगों ने देखा था, स्पेशली एरिस्टोक्रेसी, जो रिच पर्सन थे सोसाइटीज के, वो लोग इनका अपोज करते थे। और स्पेशली इस एरिस्टोक्रेसी जर्मनी की बात की जाए तो वहां पे इनको बोला जाता था जंकर्स। जंकर्स मतलब वो लोग जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज थी, स्पेशली नोबल्स तरीके से हम समझ सकते हैं, ये लोग अपोज कर रहे थे। और साथ साथ में किंग खुद भी अपोज कर रहा था। जो समय किंग था फ्रेडरिक विलियम फोर जो था, वो खुद भी इस चीज को अपोज कर रहा था, किस चीज को? नेशन बनाने के लिए। बट यहाँ पे क्या होता है, मैंने बोला था ना, उस समय उस किंग को रियलाइज हो जाता है कि अगर हम लोगों ने इनकी बात नहीं मानी तो ये भी हम लोगों को उल्टा लटका देंगे, क्योंकि ये जो मूवमेंट्स हो रहा है, ये जो एक तरीके से जो आंधी, जो एक नेशनल सेंटीमेंट्स हो रहा था ना, पूरे यूरोप के अंदर स्प्रेड हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि एक बच्चा जो था हमारा फ्रांस, फ्रांस तो रिपब्लिक भी बन जाता है, वहां तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम भी आ जाता है, नेशनल असेंबली बन जाती है, मतलब बहुत सारे चेंजेस वहां पे होते जा रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। तो इसका डर कहीं ना कहीं इस राजा को भी था, और उसे लगा कि यार अगर ये इनिशिएटिव मैं नहीं लूंगा तो मेरी हालत ख़राब होने वाली है। तो राजा क्या करता, राजा खुद इनिशिएटिव लेता है कि हम बनाएंगे, हम जर्मनी का यूनिफिकेशन करेंगे। और इसके लिए उनका जो चीफ मिनिस्टर, जिसका नाम है ऑटो वन बिस्मार्क,
बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ भी है। ऑटोमन बिस्मार्क जो है, इनका मानना ये था कि और इन्होंने ही स्पेशली यूनिफिकेशन के लिए एक जो है प्रोसेस स्टार्ट करी। और यूनिफिकेशन के लिए क्या चीज़ करी, देखो दो चीज़ होगी। पहला चीज़ तो ये कि आपके पास वो एरिया होना चाहिए तो यूनिफिकेशन कर पाओगे, और सेकेंड नंबर पर आपके पास अगर वो एरिया नहीं है, किसी दूसरे के पास है, तो उससे लड़के जितना जीत के लेना भी तो पड़ेगा वो आपके पास। मतलब क्या करा इन्होंने, क्या करा, वॉर करी। कितनी वॉर करी ऑटोमन बिस्मार्क ने, बेसिकली तीन वॉर जो है लड़ी गई है। किन किन के बीच में, तो ऑस्ट्रिया के साथ लड़ी। क्यों ऑस्ट्रिया के साथ लड़ी, क्योंकि कुछ हिस्सा जो था ऑस्ट्रिया के पास था। अगर आप मैप पे देखोगे ना, जो जर्मनी का जो प्रुशिया वाला रीजन है, ये कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया के पास दिख रहा है, कुछ हिस्सा फ्रांस के पास है, तो भैया फ्रांस से भी लड़ना पड़ेगा, और कुछ हिस्सा अगर आज की तारीख में बात करें डेनमार्क के पास भी था। तो इन तीनों के साथ वॉर होती है, किसकी, प्रुशिया की वॉर होती है। और ये वॉर कितने साल तक चलती है, 7 ईयर तक वॉर चलती है। अब उनके साथ 7 साल तक लड़ रहे क्या भाई, 7 ईयर तक ये वॉर चलती है। बहुत बड़ा स्ट्रगल होता रहता है इन सभी के बीच में, और इन 7 ईयर के वॉर के कारण रिजल्ट ये होता है कि फाइनली एक जर्मनी जो है, एक नया नेशन जो है वो बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ समझना बहुत ध्यान से बेटा, ये नया नेशन बन रहा है, एक ही नया किंगडम बन रहा है, मतलब एक जर्मनी बना है। ये जर्मनी रिपब्लिक की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे जर्मनी का एक यूनिफिकेशन हो जाता है। सो फाइनली जर्मनी का यूनिफिकेशन कितनी तारीख को हो जाता था, अगर ऑन द डेट की अगर हम बात करें, सो 18 जनवरी 1871 के अंदर। देखो इस डेट को भी मैंने आप लोगों को याद कराया था, ये हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर, पहले वाले वीडियो के अंदर, जहाँ पे मैंने आपको बताई थी एक ट्रिक। अब फ्रैंकफर्ट, हम 18 साल की एज में बहुत फ्रैंक हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात भी कर सकते हैं। सो इस 18 में से हम लोगों ने देखा था 8, तो वही 18 की अगर हम बात करें, 18 जनवरी 1871 के अंदर क्या होता है, एक स्पेशली पैलेस की बात करें, जो वर्सायल का पैलेस था, उस पैलेस के अंदर हेड किया जाता है, राजा को बुलाया जाता है, जो प्रोक्लेम्ड जर्मनी के एम्परर जो राजा बनते हैं, जिनका नाम क्या रहता है, और ये राजा जो है वहाँ पे बनते हैं, और इनका नाम रहता है कैसर विलियम वन। अब लोगों के नाम भी कितना अच्छा, सर पहले था फेडरिक विलहम वन, अब की बार बात की जा रही है कैसर विलियम वन। तो ये जो राजा थे, ये राजा जो है फाइनली क्या बनते हैं, फ्रांस जर्मनी के नए राजा बनते हैं। कब बनते हैं, 18 जनवरी 1781 के अंदर। और इस तरीके से जर्मनी का जो है यूनिफिकेशन हो जाता है। इस पूरे यूनिफिकेशन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा दो चीज़ कॉमन थी, एक सेंटिमेंट था, एक ये लोग जो थे सारे लोग चाहते थे बने, ठीक है। एंड सेकेंड नंबर की बात करें यहाँ पे, अब की बार तो किंग ने खुद ने इनिशिएटिव लिया और इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कराया गया। क्या कराया गया कंप्लीट कराने के लिए, तीन वॉर लड़ी गई, कितने साल तक, 7 ईयर्स तक। देखो कंफ्यूज मत होना, जब हम इटली का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे ना, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे 7 स्टेट्स की बात की जाती है, और यहाँ पे 7 ईयर वॉर्स की बात की जा रही है। ये 7 ईयर वॉर्स किनके बीच में हो रही है, ये 7 ईयर वॉर्स होती है ऑस्ट्रिया के बीच में, फ्रांस के साथ होती है, और क्या नाम इसका, डेनमार्क के साथ होती है। इन तीनों के साथ वॉर होती है, किसकी, जर्मनी की। फाइनली ये एरिया जो है उनसे छुड़वा के, जीत के एक नया एरिया बनाते हैं। अब आप बोलोगे सर इस यूनिफिकेशन के बाद क्या हुआ, अब सोचो जरा यूनिफिकेशन हो गया है, वापस नया स्टेट, नई सारे सिचुएशन बन गई है। सो यहाँ पे स्पेशली तीन चेंजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है, जो हम लोगों को नोटिसेबल देखने को मिलते हैं। अब इस पूरे जर्मनी का यूनिफिकेशन होने के कारण क्या चेंजेस आए, तो इसका जो सबसे बड़ा अगर हम चेंजेस की बात करें, तो बेसिकली तीन चेंजेस आते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंजेस तो ये आ जाता है कि जो उनकी करेंसीज थी, इन सभी चीज़ों को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं जर्मनी के अंदर, मॉडर्नाइज किया जा रहा है, किस चीज़ को, करेंसी को पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें बैंकिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, एंड थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें स्पेशली जो लीगल एंड जुडिशियरी जो सिस्टम था, इस सिस्टम्स को भी वो इंप्रूव या हम बोल सकते हैं मॉडर्नाइज किया जा रहा है। अब आप बोलोगे क्यों किया जा रहा था, सोचो जा रहा था, जर्मनी जो बना ना, ये एक नए रीजन को मिला के बनाया जा रहा था, जैसे फ्रांस का कुछ रीजन इसमें लिया जो जीते थे, डेनमार्क का लिया, ऑस्ट्रिया का लिया था, तो इस पूरे रीजन को जब मिला के बना रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम थी, स्पेशली करेंसी की प्रॉब्लम थी, तो उसको मॉडर्नाइज किया गया। सेकेंड नंबर की बात करें तो बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि उस समय अगर यूरोप में भी बहुत सारे नए बैंक भी सेटअप हो रहे थे, तो उस चीज़ को मॉडर्नाइज किया गया। एंड थर्ड नंबर पर अगर हम बात करें जो लीगल सिस्टम, जो जुडिशियरी सिस्टम था, इसको भी मॉडर्नाइज किया गया। ठीक है, सो यहीं पर हमारा ये जो जर्मनी का यूनिफिकेशन का जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, ट्रिक का एक सेपरेट वीडियो है, आप वहां पे देख सकते हो, वहां पे एक-एक नाम, एक-एक टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। और आप चाहो तो मेरे पीछे भी एक इसी से रिलेटेड में जो पेज दिख रहा है, वहां पे भी सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं, तो ये वहां पे भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। सो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो प्लीज आप लाइक कर सकते हैं, और कमेंट करने का टाइम हो तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।